You can't call me Godi Media. You are it. How dare you call me Godi Media? आप किसी को टच करते हो? आप बदनाम करने की कोशिश करते हो? आप भारत बदनाम करने की कोशिश करते हो? मैं तो उस दिन अपने आप को किसान लिखना बंद कर दूंगा जिस दिन आप स्टूडियो में बुला के राजनाथ सिंह से सवाल पूछने की हिम्मत दिखाएंगी। सर, कटरीना कैफ और विकी कौशल की शादी में शामिल होने वाले मेहमानों में कोड वर्ड दिए जाएंगे जिनके आधार पर उन मेहमानों को होटल में एंट्री मिलेगी। हर हफ्ते की तरह बात इस हफ्ते भी गोदी मीडिया में घटे कुछ किस्सों की करते हैं। इस हफ्ते संसद में कृषि कानूनों को रद्द कर दिया गया। इस पर चर्चा ना होने की वजह से विपक्ष ने संसद के बाहर रोष प्रदर्शन भी किया। पत्रकार ने जब राहुल गांधी से सरकार का पक्ष लेने वाला सवाल किया तो राहुल गांधी ने इस पर पत्रकार को करारा जवाब दिया। बीजेपी का ये कहना है सर कि जब प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन में माफी मांग ली और अब जब तीनों कृषि कानून वापस हो गए लोकसभा और राज्यसभा में तो डिस्कशन की जरूरत क्या है? तो फिर सांसद की सा क्या जरूरत है? बंद कर देते हैं। बंद ही कर दो फिर प्राइम मिनिस्टर को जो कहना है कह दें, जो कानून बनाने बना दें, तो इसका क्या मतलब? इस हफ्ते राकेश टिकैत का भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ जिसमें राकेश टिकैत रिपब्लिक टीवी के पत्रकार को फटकार लगा रहे हैं। करती है, फिजिकल टच करती है, मीडिया चैनल से अक्सर गलतियां हो ही जाती हैं। इस पर गलती एबीपी न्यूज से हुई। उन्होंने एक सर्वे किया जिसके डेटा का ग्राफ गलत दिखा दिया। कौन बनेगा मुख्यमंत्री में ट्विटर पोल। हमने आज ट्विटर पर दर्शकों से सवाल पूछा था, क्या पर्चा लीक कांड से सीएम योगी की सख्त प्रशासक की छवि को धक्का लगेगा? इस ट्विटर पोल में 58% लोगों ने हां में जवाब दिया है, हां धक्का लगेगा। 42% मानते हैं नहीं, धक्का नहीं लगेगा। ऐसा ही कुछ टाइम्स नाउ के साथ भी हुआ। जब उन्होंने एक सर्वे का रिजल्ट दिखाया तो उसमें वे गलती कर रहे थे। टाइम्स नाउ पर हुई डिबेट में नाविका को एक गेस्ट ने कंगना के उनके द्वारा दिए आजादी वाले बयान पर भी टोकने को लेकर सुना दिया। फर्स्टली नाविका जी, लेट्स व्हेन वी टॉक अबाउट हिपोक्रेसी, लेट्स टॉक अबाउट द गोदी मीडिया एंड सॉरी टू से टाइम्स नाउ इज वन ऑफ देम। द हिपोक्रेसी व्हेन यू केप्ट योर माउथ शट व्हेन कंगना स्पोक, यू शुड हैव करेक्टेड हर। फर्स्टली आई डिडंट कोनिका, प्लीज लेट मी फिनिश। आई डिडंट कोनिका, नो, हाउ कैन आई अलाउ यू टू फिनिश अ पैक ऑफ लाइज व्हेन यू आर सेइंग इट इन फ्रंट ऑफ मी एंड आई सेड व्हाट आई सेड एंड आई सेड टू हर दैट दैट इज व्हाई पीपल कॉल यू भगवा, दैट इज व्हाई पीपल कॉल यू भगवा बिकॉज यू आर टॉकिंग लाइक द फ्रिंज। कॉर्नबेरिया, प्लीज लेट मी स्पीक वन सेकंड। आई एम सॉरी, फ्रीडम ऑफ स्पीच इज नॉट अनरिस्ट्रिक्टेड इवन ऑन द न्यूज आर। यू कांट कॉल मी गोदी मीडिया। यू आर इट। हाउ डेयर यू कॉल मी गोदी मीडिया? हाउ डेयर यू कॉल मी गोदी मीडिया? इफ यू कैन कम हियर एंड एक्सप्रेस योरसेल्फ देन हाउ एम आई गोदी मीडिया? मीडिया डिबेट में एंकर अक्सर विपक्षी नेताओं को तीखे सवाल कर परेशान करने की कोशिश करते हैं। इसका करारा जवाब भी विपक्षी नेताओं ने दे देते हैं। ऐसा कुछ न्यूज 18 की डिबेट में देखने को मिला। जब एंकर अमन चोपड़ा ने संजय सिंह से सवाल किया तो उन्हें इसका करारा जवाब भी मिला। अच्छा, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा यह चुनाव जिन्नावादी वर्सेस राष्ट्रवादी चुनाव है, आप किस तरफ? तो सबसे बड़ी जिन्नावादी पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी जिन्ना की कब्र पर गए थे, चादर चढ़ाई थी उन्होंने, उनको धर्मनिरपेक्ष बताया था। तो जिन्ना को धर्मनिरपेक्ष किसने बताया? लाल कृष्ण आडवाणी ने। जिन्ना को का महिमा मंडन किसने किया? जसवंत सिंह जी ने, पूर्व विदेश मंत्री ने। जिन्ना के बारे में उनको महिमा मंडन करने का काम किसने किया? के सुदर्शन ने, जो संघ के प्रमुख थे। जिन्ना के साथ आजादी के पहले 3 राज्यों में सरकार किसने बनाई? हिंदू महासभा और आरएसएस ने। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी बंगाल की मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट में फजलुल हक के साथ उप मुख्यमंत्री थे। सिंध प्रांत में आरएसएस, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की सरकार थी। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में हिंदू महासभा और आरएसएस की मुस्लिम लीग के साथ सरकार थी। औरंगजेब खान उस समय मुख्यमंत्री थे वहां के। एबीपी न्यूज के पत्रकार रूबिका लियाकत के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ जब रूबिका ने योगेंद्र यादव पर तंज कसा। इसका योगेंद्र यादव ने मुंह तोड़ जवाब दिया। योगेंद्र जी, आप बहुत बड़े किसान हैं
आप दिन भर जो है हल जोतते हैं, आप गेहूं उगाते हैं, चावल उगाते हैं, दाल उगाते हैं, आप बहुत बड़े किसान हैं और इसीलिए आपको किसानों की परेशानियों के बारे में बहुत जानकारी होगी। आप ये कह रहे हैं कि मैं एक पत्रकार हूं और मुझे इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि जो कमेटी बनाने की बात हो रही है, 7 साल पहले क्या हुआ और किस तरीके से 7 साल तक वो मामला चला और कुछ ना हो पाए। मैं जितना मैं खेतों में पाया जाता हूँ, जितनी आप लाइब्रेरी में पाई जाती हैं, जितना आप पढ़ाई करती हैं, उतना ही मैं खेतों में रहता हूँ। मैं तो उस दिन अपने आप को किसान लिखना बंद कर दूंगा जिस दिन आप स्टूडियो में बुला के राजनाथ सिंह से सवाल पूछने की हिम्मत दिखाएंगी कि राजनाथ जी आप खेतों में पाए जाते हैं। अमित शाह से जिस दिन आप पूछ लेंगी उस दिन तो मैं आके आपको टीवी पे बधाई दूंगा। आप लोगों की बात मत कीजिए ना, आपको तो खेतों से मतलब होना चाहिए। देखते हैं इस हफ्ते हमारा गोदी मीडिया किन मुद्दों में ज्यादा व्यस्त रहा। कटरीना कैफ और विकी कौशल की शादी में मेहमानों के मोबाइल ले जाने पर बैन लगाया गया। एक्टर कटरीना कैफ और विकी कौशल की शादी में शामिल होने वाले मेहमानों में कोड वर्ड दिए जाएंगे जिनके आधार पर उन मेहमानों को होटल में एंट्री मिलेगी। यही नहीं, कटरीना और विकी कौशल की शादी में उनके खास मेहमानों के लिए टाइगर सफारी की व्यवस्था भी की गई है। 48 कमरे हैं, इसके अलावा जो इसका किराया है वो 50,000 रुपए से लेकर के 5,00,000 रुपए प्रति दिवस के हिसाब से है। आपको कोई शादी में बुलाए और ये कहे कि फोटोज नहीं खींचे जाएंगे, कोई पोस्ट सोशल मीडिया पर नहीं की जाएगी, वेडिंग मेन्यू शेयर नहीं होगा और शादी में मेहमान बनकर आया कपल अपनी शादी की बातें भी नहीं करेगा, तो क्या कहेंगे आप? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताइएगा और बने रहें हमारे चैनल पंजाब टुडे के साथ। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।